नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। इस वीडियो में हम लोग पांच ऐसे डोमेस्टिक स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होती हुई दिखाई देंगी। कंपनियां सब की सब लार्ज कैप कंपनियां हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ऑलरेडी इन कंपनियों ने आपको रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाए हैं और आगे भी इसी तरीके से दिखाती हुई दिखाई देंगी। अगर आप लोगों को नहीं पता हो डोमेस्टिक स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, वो कंपनियां जो ना ही केवल इंडिया की मार्केट में लिस्ट हों बल्कि अदर अलग अलग कंट्रियों की स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनियां लिस्ट होती हैं, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक स्टॉक्स। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी, मार्केट कैप पर नज़र डालिए, लगभग 5,93,896 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और ऑलरेडी इसने इन्वेस्टर को बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। अगर हम लोग कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी में कोई भी डेप्थ नहीं है। पिछले 3 सालों से लगभग आरओई देखिए 25.39 का आरओई मेंटेन करके दिखाया है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी लगभग 54.63 का। अगर कंपनी की कुछ वीकनेसेस की भी बात करें तो प्रमोटर ने होल्डिंग इसकी थोड़ी सी कम है, लगभग 12.95 की है। और कंपनी की पुअर सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों से, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि इसके रिटर्न्स ऑलरेडी बहुत ही शानदार दिखाई देते हुए दिखे हैं। अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिटर्न्स की, तो आप लोग देखें लगभग 15% के एनुअली रिटर्न ऑलरेडी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है पिछले 10 सालों से। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लार्ज कैप कंपनी में, ब्लू चिप स्टॉक्स में आपका पैसा सेफ रहता है और अच्छी तरीके से ग्रो होता है। अगर 15% का आपको एनुअली रिटर्न मिल रहा है तो बहुत ही शानदार रिटर्न होता है किसी भी लार्ज कैप कंपनी की तरफ से। पिछले 5 सालों से 17% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड कराया है और इस साल लगभग 99% का जंप इस स्टॉक में देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार आपको दिखाई देती हुई दिखेगी इन्फोसिस की, लगभग 25% की रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों से 14% की नज़र आ जाएगी और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 11% की। आप लोगों को सबको पता होगा कंपनी बहुत ही शानदार है, लार्ज कैप कंपनियों में से बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि आपको अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई दिखाई देगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अभी भी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, अगर हम लोग बात करें मार्च 2021 की, लगभग 19,351 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देता हुआ दिखा है इस कंपनी का, जो कि 2020 से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही शानदार ग्रो होती हुई दिखाई दी है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और इसी तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई देगी। बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। अगले स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ दोस्तों बैंक सेक्टर का बहुत ही दिग्गज स्टॉक है, मार्केट कैप पर नज़र डालें तो लगभग 4,58,000 के ऊपर निकल गया है इसका मार्केट कैप। आरओसीई में ज़्यादा दम नहीं नज़र आएगा, लगभग 6.04 की आरओसीई यहाँ पे आपको दिख जाएगी, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है, आपको रिटर्न बहुत ही शानदार प्रोवाइड करा के देती हुई आई है पिछले 10 सालों में। लगभग सीएजीआर देखें तो 13% के सीएजीआर से एनुअली रिटर्न ऑलरेडी इस बैंक ने प्रोवाइड कराए हैं अपने इन्वेस्टर को। कोई भी बैंक एफडी में मात्र 6 या 7% का रिटर्न प्रोवाइड कराती है, लेकिन अगर आप उसी बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न प्रोवाइड हो सकते हैं दोस्तों। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 12% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ लगभग 11% की। तो अगर आप लोग ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो कि आपको कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमा के दे सकें, तो आप लोगों के लिए ये स्टॉक बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार मार्केट कैप, बहुत ही भरोसेमंद कंपनियां हैं ये सब की सब, जो कि आपको अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप लोग देखें इसका डाटा तो आप लोग देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रो हो रही है। लगभग मार्च 2011 से देखें तो ये प्रॉफिट जनरेट करती थी 6,93 करोड़ का। अगर इसको कंपेयर किया जाए मार्च 2021 के प्रॉफिट से तो देख लीजिए ये लगभग 18,384 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है, 3 गुना कर दिया है अपने प्रॉफिट को। इसी तरीके से आपके पैसों को भी ये ग्रो करती हुई दिखाई दे सकती हैं। बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। अगले स्टॉक का नाम है TCS। सबके जुबां पे ये कंपनी रटी हुई है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी, लगभग 11.5 लाख करोड़ से बड़ा मार्केट कैप इस स्टॉक का हो चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से पिछले सालों में इस कंपनी ने ऑलरेडी रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोग ने इसमें 10 से या 20 साल पहले से अमाउंट लगा के रखा होगा तो आप लोग अभी तक बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में बन चुके होंगे। आर ओ सी ई की बात करें लगभग 48.9% का आर ओ सी ई है, आर ओ ई की बात करें तो लगभग 40% की आर ओ ई यहाँ पर नज़र आती हुई हम लोग को दिख जाएगी। कंपनी के सी ए जी आर की ओर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि 19%
कि एनुअली रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी भी आपको 20% के रिटर्न एनुअली प्रोवाइड करा के दे सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बात होती है अगर आप लोग किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना अमाउंट को सेफ रखना चाहते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं लगभग 14% की, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ लगभग 16% की। तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसमें भी ग्रो होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबकी भरोसेमंद कंपनी है, कभी भी इसका स्टॉक इस तरीके से नहीं दिखता कि अब ये स्टॉक्स गिरेगा या आपको निगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। ये स्टॉक सारे के सारे बहुत ही स्लो मोमेंटम दिखाते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में जंप दिखाई दे के दिखाते हुए दिखते हैं। बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। अगले स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है ये भी। मार्केट कैप पे देखें तो लगभग आपको 1,13,503 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख जाएगा। आरओसी यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आएगी और आरओई तो निगेटिव में है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है, भरोसेमंद है, आपको कभी भी लंबा घाटा नहीं दे सकती है। अगर आप लोग इसकी एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग केवल और केवल 5% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया है, लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदार स्टॉक है। आप लोग का अमाउंट सेफ रखेगी, आप लोग अच्छा मुनाफा इस कंपनी से बना सकते हैं। अगर आप लोग बात करें अपने आखिरी स्टॉक की, तो आखिरी स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दिग्गज स्टॉक है, सबका फेवरेट स्टॉक यहाँ पे HDFC बैंक होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। मार्केट कैप देखेंगे तो 8,36,453 करोड़ का मार्केट कैप भी नज़र आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा HDFC बैंक यहाँ पे दिखाई देता है आपको। एक लार्ज कैप कंपनी, बहुत ही शानदार तरीके से इसने अपने आप को ग्रो किया है पिछले 10 या 20 सालों में। अगर आप लोग बात करें पिछले 10 सालों की रिटर्न की, तो आप लोग देख सकते हैं 20% का एनुअली रिटर्न ऑलरेडी इसने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। कोई भी बैंकिंग स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दिया होगा पिछले 10 या 20 सालों में, जिस तरीके से इस बैंक ने अपने आप को ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 10 सालों की बात करें तो 23% के प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिख जाएगी आपको, सेल्स ग्रोथ लगभग 20% की और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की। तो आप लोग देख सकते हैं ये डाटा आपको बताता है कि आपके पैसे को बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करता दिखाई देगा। अगर आप लोग किसी भी सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बिना रिस्क के, तो आप लोग इन स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।